तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर्स के बारे में। अब देखो, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की नोट्स काफ़ी ज़्यादा ही लंदी हुई जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है इसका सिलेबस। तो एक दो वीडियो और कल मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को नोट्स ज़रूर मिल जाएगी, तो कल नोट्स दे देंगे हम, ठीक है। बाकी आज आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर की, और इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो ये प्योर कल्चर आखिर क्या चीज़ है? देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी अपने कल्चर मीडिया के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख चुके हो, ठीक है। और कल्चर मीडिया के बारे में आप लोग को पता है। तो कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया हमारे एक टाइप का ऐसा मीडियम होता था जिसमें हम लोग क्या करते थे, बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो कराने का काम करते थे। यानी कल्चर मीडिया हमारा एक ऐसा मीडिया होता था जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग डालते थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे प्योर कल्चर का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज से समझते हैं। कल्चरिंग इज अ प्रोसीजर ड्यूरिंग विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कल्टिवेटेड इन अ कल्चर मीडिया। देखो, कल्चरिंग का मतलब क्या होता है कि कल्चर मीडिया में जब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट, देखो यहाँ पे कल्चर का मतलब होता है ऐसा समझो कि खेती करना, ठीक है, अगर एक ऑर्गेनिक टर्म में हम लोग समझे। तो यहाँ पे देखो, हम लोग फार्मिंग तो कर नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे खेती से क्या मतलब निकालते हैं कि बैक्टीरिया की हम लोग ग्रो कराते हैं। देखो, खेती करने से क्या मतलब होता है कि हम लोग जो है फसल वगैरह उगाते हैं, ठीक है, जो भी हमारे किसान लोग होते हैं। तो यहाँ पे खेती करने से क्या मतलब है कि हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, ठीक है। वहाँ पे वो लोग फसल ग्रो कराते हैं, यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे। तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही है। नाउ जनरली ध्यान से देखना, नाउ जनरली व्हेन वी कल्चर माइक्रोब्स वी ऑब्टेन अ मिक्स्ड कल्चर दैट कंटेन्स मोर देन वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आप लोगों ने कोई यहाँ पे सैंपल लिया, ठीक है, जैसे मान लो या फिर ह्यूमन बॉडी से लिया, फिर कहीं से भी लिया। अब देखो, ये जो हमारा सैंपल है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होंगे कि इस सैंपल में कोई एक बैक्टीरिया तो होगा नहीं, यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के अलग अलग हमें बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, जब इस सैंपल को अपने कल्चर मीडिया में डाल के इस बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, तो हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत ही अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग देखें, तो जो हमारे डिफरेंट कलर्स हैं, वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग देखो, तो कुछ हमारे ब्लैक कलर्स हैं, कुछ हमारे ब्लूस हैं, कुछ हमारे ऑरेंज हैं, कुछ रेड्स हैं, कुछ ग्रीन्स हैं। तो ये सारे अलग अलग कलर डिफरेंट कलर के बैक्टीरिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी हम लोगों ने क्या देखा कि जनरली हम लोग जब यहाँ पे बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं, तो हमें बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। और इस कल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कल्चर, ठीक है। मिक्स्ड कल्चर का मतलब क्या, दैट कंटेन्स मोर देन वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो, यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, जैसे ये जो हमारा कल्चर मीडिया हम लोगों ने बनाया, तो इसमें तो बहुत अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं, लेकिन मान लो हमें जो है किसी एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया की ही तो स्टडी करनी होगी। जैसे मान लो हम लोगों को किसी डिजीज वगैरह का पता लगाना है, तो उस डिजीज वगैरह को पीछे कोई एक ही बैक्टीरिया तो होगा, कोई एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया। तो वहाँ पे उस एक बैक्टीरिया का हम लोग कैसे पता लगाएंगे, भाई इसमें तो बहुत सारे डिफरेंट हो गए, तो हम लोग इसमें उस एक बैक्टीरिया की स्टडी कैसे करेंगे? तो देखो, जब हमें एक बैक्टीरिया यानी कि इन सब में से हमें कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल के अलग करना होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फिर हम लोग उसको बोलते हैं प्योर कल्चर। देखो, प्योर कल्चर का सिंपल सा मतलब है, प्योर कल्चर इज अ टाइप ऑफ कल्चर मीडियम दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मिक्स्ड होते हैं, जब इस मिक्स से हम लोग यहाँ पे किसी एक को निकाल के अलग से उसकी स्टडी करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्योर कल्चर मीडिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो प्योर कल्चर इज यूजुअली डिराइव फ्रॉम अ मिक्स्ड कल्चर बाय ट्रांसफरिंग अ स्मॉल सैंपल इनटू अ न्यूली प्रिपेयर्ड कल्चर मीडिया। देखो, एक चीज समझो, प्योर कल्चर को हम लोग बनाते कैसे हैं, प्योर कल्चर को बनाते हम लोग मिक्स से ही हैं। देखो, इस मिक्स कल्चर का हम लोग एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, और उसको दोबारा से एक नए कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं, जिसकी वजह से हमें प्योर कल्चर देखने को मिलता है। अब इसके बहुत अलग अलग मेथड होते हैं, उसको हम लोग को आज डिस्कस करना है। बाकी समझ तो गया ना, देखो प्योर कल्चर हमें क्यों चाहिए, भाई हमें सारे बैक्टीरिया की तो स्टडी करनी नहीं है, हमें कोई स्पेशल यानी हमारे जो काम का है हमें उसकी तो स्टडी करनी है। तो मान लो अगर हमें जैसे इस ब्लू वाले की स्टडी करनी है, तो इस ब्लू वाले के साथ में यहाँ पे तो और सारे बैक्टीरिया भी हैं, तो हम लोग इस कल्चर मीडिया में इसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें इस ब्लू वाले को अलग से आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको आइसोलेट करके अलग करते हैं और किसी अलग मीडियम में पूरा ग्रो कराते हैं, यानी अब मान लो इस ब्लू वाले को हम लोगों ने यहाँ से उठा के जब आइसोलेट किया, तो अब हम लोग इसको दोबारा से एक नए कल्चर मीडिया में डालते हैं, ठीक है। और अब क्या होगा, अब जब यहाँ पे ग्रो होगा, तो सिर्फ हमें जो है ब्लू कलर के बैक्टीरिया की कॉलोनी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। कॉलोनी मतलब यहाँ पे समझ लो कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है दिखाई पड़ेंगे।
अब अगर सेम है तो सेम कॉलोनी, डिफरेंट तो डिफरेंट कॉलोनी, ठीक है। तो अब हमें जो है इस कल्चर मीडिया में देखो सिर्फ ब्लू कलर दिख रहा है, यानी सिर्फ यही बैक्टीरिया है, तो इसकी स्टडी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्योर कल्चर की जरूरत पड़ती है, यानी प्योर कल्चर के अंदर सिर्फ एक सिंगल टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, बस यही है इसका सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग को मेनली बात करनी है बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, यानी कि कौन कौन से मेथड हैं प्योर कल्चर को बनाने के। तो यहाँ पर देखो वैसे तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट आपके सिलेबस की बात करें तो मेनली हमें चार टाइप के मेथड के बारे में पढ़ना है। पहला हो गया स्ट्रीक प्लेट, दूसरा स्प्रेड प्लेट, थर्ड हो गया पोर प्लेट, एंड फोर्थ हो गया सीरियल डाइल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने स्ट्रीक प्लेट मेथड के बारे में। तो देखो स्ट्रीक प्लेट मेथड यहाँ पे सबसे सिंपल एंड ईजी है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। देखो इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, यानी आइसोलेशन के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली इसी का यूज होता है। अब देखो स्ट्रीक, स्ट्रीक मतलब आप लोग समझ रहे हो स्ट्रीक का मतलब क्या होता है। स्ट्रीक मतलब ऐसे थोड़ा सा लाइन वगैरह बनाना, जैसे स्नैपचैट में आजकल स्ट्रीक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो स्ट्रीक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ फ्लो में रहे, ठीक है, टूटे ना, तो ऐसे लाइन वगैरह जो खींचना होता है तो उसी को स्ट्रीकिंग बोलते हैं। तो स्ट्रीकिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द माइक्रोबियल कल्चर यूजिंग एन इनोक्यूलेटिंग नीडल ऑन द सरफेस ऑफ न्यू मीडिया। देखो यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से समझो इसमें होगा क्या। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे ये हमारा जो मिक्स्ड कल्चर है इसमें से हम लोग करेंगे क्या, ये हमारी होती है इनोक्यूलेटिंग लूप या फिर इनोक्यूलेटिंग नीडल बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इनोक्यूलेटिंग नीड को सबसे पहले स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज का मतलब क्या है, देखो स्टरलाइजेशन का मतलब होता है इस वाले नीडल को सबसे पहले बैक्टीरिया फ्री करेंगे, क्योंकि भाई देखो इसके सरफेस पे भी तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें इसके सरफेस को एकदम फ्री करना पड़ेगा ताकि ये सरफेस एकदम प्योर हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा हीट देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको हीट देके क्या करते हैं, इसको हम लोग स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीट दिया हम लोगों ने, इसको हीट किया, फिर स्टरलाइज किया। अब यहाँ पे इसके सरफेस पे सारे बैक्टीरिया खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इनोक्यूलेटिंग लूप को हम लोग यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, और जो हमें जिस टाइप का जो भी मतलब बैक्टीरिया चाहिए हम लोग, जैसे जैसे यहाँ पे समझ लो ये हमारा इंडिकेटर मीडिया है जिसमें इंडिकेट कर दिया अलग अलग बैक्टीरिया को। अब मान लो हमें ब्लू वाला बैक्टीरिया चाहिए, तो हम लोग इस ब्लू वाले के पास लाएंगे अपनी नीडल को, ठीक है, इस इनोक्यूलेटिंग लूप को, और यहाँ पे देखो यहाँ पे इस इनोक्यूलेटिंग लूप को ब्लू वाले से टच कराएंगे। अब इसके ऊपर देखो, अब इस वाले के ऊपर हमारे ब्लू वाले के सैंपल आ जाएंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे मान लो ये पेन हमारी इनोक्यूलेटिंग लूप है, तो अब यहाँ पे देखो ब्लू वाले के सैंपल आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है किसी नए, ठीक है, नए कल्चर मीडिया में जाएंगे और यहाँ पे देखो स्ट्रीक करेंगे। स्ट्रीक मतलब देखो, अब यहाँ पे इसकी टिप पे समझ लो ये हमारा, इसको ऐसे मान लो ये इनोक्यूलेटिंग लूप है, तो अब इसकी टिप पे हमारा ब्लू कलर का बैक्टीरिया आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, नए वाले जो भी हमारा मीडियम है इसमें हम लोग इस टाइप से देखो कुछ इस टाइप से हम लोग जो है स्ट्रीक यानी लाइन खींचेंगे, समझ रहे हो, इस तरीके से। अब ये लाइन देखो बहुत अलग अलग तरीके से खींच सकते हो, हो सकता है आप लोग ऐसे खींच दो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप लोग ऐसे खींच दो जैसा आपका मन हो, ठीक है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो, मतलब कुल मिला के हम लोग को स्ट्रीकिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें जो है एक, और उसके बाद क्या होगा, जब कुछ टाइम बाद हम लोग देखेंगे तो हमें इस पूरे कल्चर मीडिया में इस ब्लू वाले की कॉलोनी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रीक प्लेट मेथड होता है बहुत ही सिंपल सा, जैसे कि इन दिस फर्स्ट वी स्टरलाइज द इनोक्यूलेटिंग लूप बाय फ्लेम, यानी कि इसको थोड़ा सा हीट देके, आफ्टर दैट वी स्ट्रीक आउट द बैक्टीरिया यूजिंग इट ऑन पेट्री प्लेट्स। अब देखो पेट्री प्लेट्स मतलब कुछ नहीं, ये जो नया कल्चर मीडिया होता है, तो इस कल्चर मीडिया को हम लोग यहाँ पे पेट्री प्लेट्स यानी कुछ प्लेट्स टाइप में ऐसे बनाते हैं, जैसे ये आपको थोड़ा सा प्लेट टाइप का दिख रहा है, तो इसके अंदर हम लोग कल्चर मीडिया रखते हैं और उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया, देखो इस इनोक्यूलेटिंग लूप से हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे रेड वाले को समझो, तो यहाँ पे रेड वाला बैक्टीरिया हमें चाहिए, तो इससे हम लोगों ने रेड वाले को लिया, फिर यहाँ पे इस तरीके से लाइनिंग खींच दी, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो गया कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीकिंग, एक हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। देखो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीकिंग का मतलब कि आप लोगों ने लाइन खींची तो यहाँ पे कंटिन्यू करते रहे, उसको ब्रेक नहीं किया। जैसे यहाँ पे देखो दो टाइप का हो सकता है, एक हो गया कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में देखो ऐसे आप लोगों ने स्टार्ट किया तो बिल्कुल चलते रहे, यहाँ पे कुछ भी ब्रेक नहीं है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। और एक हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। तो डिसकॉन्टिन्यूअस में क्या कि देखो पहले आप लोग मान लो ऐसे किए, ठीक है, फिर रुक गए, फिर आप लोगों ने पेन उठाई, फिर यहाँ पे इस तरीके से किया, ठीक है, फिर यहाँ पे रुक गए, फिर इस तरीके से किया, तो यहाँ पे देखो ये हमारे डिसकॉन्टिन्यूअस हो गए, ये कॉन्टिन्यूअस हो गए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो स्ट्रीक प्लेट मेथड बहुत ही सिंपल था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एंड अब हम लोग बात करते हैं अपने स्प्रेड प्लेट मेथड के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे स्प्रेड प्लेट मेथड की, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, दिस इज द बेस्ट, यहाँ पे ये हमारा एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है आइसोलेट करने का। इन दिस टेक्निक
0.1 ml of sample taken from diluted mixture which is then placed on the surface of agar plate and spread evenly on the surface by using L-shaped gloss rod. देखो यहाँ पे इसको आप लोग लैंग्वेज डाओ, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं एक लिक्विड कल्चर मीडिया, ठीक है, जिसमें हमारा बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। जैसे इसमें हम लोगों ने, ये मिक्स्ड कल्चर मीडिया हमारा लिक्विड है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, पेट्री प्लेट, जिसके अंदर हमारा कल्चर मीडिया मिक्स है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस मिक्स्ड कल्चर से हम लोग थोड़ा सा, एक बहुत ही माइनर, देखो ऐसे समझो कि ये हमारा मिक्स्ड कल्चर है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स हैं, ठीक है। और हम लोग क्या किए, हम लोगों ने प्लेट लिया, ठीक है, और यहाँ से देखो इसका एक छोटा सा पॉइंट लेके हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रखा, ठीक है, जिसमें हमारा कोई सिंगल टाइप का बैक्टीरिया समझ सकते हो आ गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग लेंगे एक स्प्रेडिंग, ठीक है, एल शेप्ड ग्लास रॉड, जिसको हम लोग स्प्रेडर बोलते हैं। देखो ये हमारा स्प्रेडर टाइप का होता है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा कुछ इस टाइप का होता है, स्प्रेडर टाइप का, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लेंगे यहाँ पे, और इससे क्या करेंगे, देखो इससे हम लोग यहाँ पे इस वाले पॉइंट को, समझ सकते हो, पूरा स्प्रेड कर देंगे, यानी ये जो हमारा कल्चर मीडियम है, ठीक है, पेट्री प्लेट के ऊपर, इसमें पूरी तरीके से ऐसे हम लोग इसकी मदद से पूरा स्प्रेड कर देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्प्रेड कर देंगे इसकी मदद से, समझ लो, इसको ऐसे करके ही स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद हमें जो है, थोड़े टाइम बाद हमें आइसोलेटेड बैक्टीरियल कॉलोनीज देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं, हम लोग बस स्प्रेड करते हैं, इसीलिए इसका नाम है स्प्रेड प्लेट मेथड, ठीक है। तो वही चीज़ है कि सबसे पहले हम लोग 0.1 ml लेंगे सैंपल का, उसके बाद डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारे अगार प्लेट, देखो ये हमारी अगार प्लेट के ऊपर हम लोग प्लेस कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद स्प्रेड कर देंगे, स्प्रेड इवनली ओवर द सरफेस बाय यूजिंग एल शेप मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग एल शेप ग्लास रॉड। और उसके बाद बस सिंपल है, ठीक है, और इसको स्प्रेडर बोलते हैं। एंड देयर आफ्टर द मीडियम इज इंक्यूबेटेड, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मीडियम को थोड़ा सा इंक्यूबेट कर देंगे, और इंक्यूबेट करने के बाद क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद वहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनीज हमें देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। तो सिंपल सा होता है हमारे यहाँ पे स्प्रेड प्लेट मेथड। एंड फिर हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की, जो कि हमारे यहाँ पे पोर प्लेट मेथड। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पोर प्लेट मेथड के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना। इन दिस मीडियम फर्स्ट वी टेक अवर सैंपल इन पेट्री प्लेट्स, आफ्टर दैट वी एड द लिक्विड अगार मीडियम। देखो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग सबसे पहले अपना अगार मीडियम ले रहे थे, यानी हम लोग कल्चर मीडिया पहले ले रहे थे और सैंपल को बाद में डाल रहे थे। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें कल्चर मीडिया ऑलरेडी है और इसमें हम लोगों ने सैंपल डाला, सैंपल को फैला दिया, ठीक है, और स्ट्रीकिंग में भी वही था कि स्ट्रीकिंग में सैंपल पहले से था, फिर हम लोग स्ट्रीक कर रहे थे, मतलब सॉरी हमारा कल्चर मीडिया पहले से था। देखो जैसे ये जो प्लेट है ना, तो इस प्लेट के अंदर हमारा कल्चर मीडिया पहले से रखा रहता है, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे सैंपल को इसके अंदर डालते हैं। लेकिन पोर प्लेट में क्या होता है, पोर प्लेट में सबसे स्पेशल बात यही है, ध्यान से समझना, पोर प्लेट में हम लोग सबसे पहले सैंपल लेते हैं, फिर हम लोग कल्चर मीडिया मिलाते हैं। देखो इसको आप लोग थोड़ा फिगर से समझना यहाँ पे, तब आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो यहाँ पे ये वाला फिगर आप लोग ध्यान से समझो, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो रेड कलर का आप लोग को चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, तो ये रेड वाला हमारा कल्चर मीडिया नहीं बल्कि हमारा बैक्टीरिया का सैंपल है। देखो ये हमारा सैंपल है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सैंपल लिया और उसके बाद हम लोगों ने कल्चर मीडिया को मिलाया। ये जो ब्लैक कलर का आप लोगों को दिख रहा है, देखो इस वाले बॉटल में हमारा कल्चर मीडिया, लिक्विड कल्चर मीडिया, तो सबसे पहले हम लोगों ने सैंपल लिया, फिर कल्चर मीडिया को मिक्स किया, ठीक है, और उसके बाद इसको कह सकते हो कि इसको थोड़ा सा शेक करके या फिर ऐसे गोल गोल घुमा के हम लोगों ने, या फिर इसको जो है एक मशीन में रख के हम लोगों ने पूरा घुमा दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो भी सैंपल और कल्चर मीडिया ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने के बाद हम लोग थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है, फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें बैक्टीरिया की कॉलोनीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। देखो ये रेड वाला ही हमारा बैक्टीरियल का सैंपल था, ये ब्लैक वाला नहीं था, ब्लैक वाला हमारा लिक्विड अगार मीडियम था। अब यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा ब्लैक वाले को व्हाइट से दिखा दिया है ताकि अच्छा लगे थोड़ा, आप समझ जाना, ठीक है, कि यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पोर प्लेट मेथड देखने को मिलता है। एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं सीरियल डाइल्यूशन मेथड की। तो देखो सीरियल डाइल्यूशन मेथड में क्या होता है, ये भी काफ़ी सिंपल सा है, आप लोग ध्यान से समझना थोड़ा। सीरियल डाइल्यूशन मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली, यहाँ पे ये भी बहुत ही हमारा कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है, एंड इट इज़ अ स्टेप वाइज। देखो इसमें बेसिकली इसको हम लोग थोड़ा फिगर से ही समझते हैं, तब हम लोग थ्योरी देखेंगे। देखो इसमें हम लोग करते क्या है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है, तो ध्यान से समझना। देखो ये जो हमारा सैंपल है, जैसे ये हमारा लिक्विड अगार मीडियम हो गया, ठीक है, अब इसी में हमारा जो है बैक्टीरिया वगैरह मिक्स है, ठीक है, इस वाले सैंपल में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास, देखो इसको आप ऐसे समझो कि इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं इस वाले फिगर में, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास एक दो, ठीक है,
तीन, चार और पांच, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में होता क्या है कि इन पांचों ट्यूब में, या फिर कह सकते हो तो पांच से ज्यादा हो सकते हैं, जितना चाहो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे इस समय क्या होता है, इन समय 9 ml हमारा कह सकते हो कि लिक्विड जो भी मीडियम रहता है वो मिक्स रहता है, ठीक है। 9 ml मीडियम सब में है, ठीक है, कह सकते हो वाटर ही हमारा लिक्विड है, सिंपल 9 ml। और ये हमारा हो गया एक्चुअल सैंपल, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले सैंपल से 1 ml हम लोग लाके इस पहली वाली ट्यूब में लाके मिलाते हैं। अब देखो इस सैंपल में हमारा बहुत सारे कल्चर मतलब बैक्टीरिया मिक्स हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहले इसमें से 1 ml, समझ लो सिर्फ 1 ml लिया है, 1 ml है कि जहाँ 1 ml, तो 1 ml हम लोग लेंगे और इस 9 ml वाले ट्यूब में मिला देंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, हमें जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1/10 का रेशियो देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो होगा क्या, ये 9 ml था, ठीक है, और 1 ml हम लोगों ने लाके मिला दिया, तो ये टोटल 10 ml हो गया। लेकिन 10 ml में हम लोग बैक्टीरिया इस सैंपल की बात करें, देखो सैंपल के रिस्पेक्ट में समझना, देखो ये हमारा 9 ml था, इसमें लिक्विड था और हम लोगों ने इसमें से 1 ml ला के मिला दिया, तो अब ये टोटल इसका वॉल्यूम तो 10 ml हो गया ना। लेकिन इस 10 ml में सैंपल कितना है, सैंपल इस 10 ml में 1 है, ठीक है, 1 ml, यानी 1/10 का रेशियो है यहाँ पे, है ना, समझ गए, क्लियर है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस देखो इस सैंपल को हम लोग जो है निकाल के अपनी एक पेट्री प्लेट्स में निकाल के अपना सैंपल बना लेंगे, ठीक है, अपना जो भी कह सकते हो कल्चर मीडिया बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको मिलाया। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे हमारे पास 5 और ट्यूब अभी भी पड़ी हैं और इन सब के अंदर भी हमारे जो है कह सकते हो कि लिक्विड मिक्स है, ठीक है, और सब में 9 ml है। अब देखो इस वाले से ध्यान से समझना, इस वाले से अब 1 ml निकाल के हम लोग इस वाले में ट्रांसफर करेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, जब हम लोग यहाँ से 1 ml लेके यहाँ करेंगे तो फिर से ये 10 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सैंपल के रिस्पेक्ट में देखें, देखो सैंपल जब हम लोगों ने यहाँ से यहाँ डाला था तो 1/10 का रेशियो हुआ था, लेकिन अब हम लोग यहाँ से जब यहाँ डालेंगे, ठीक है, तो सैंपल हमारा और डायल्यूट हो गया ना। देखो ये हमारा हम लोग डायल्यूट करते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे जब हम लोगों ने 1 ml डाला तो ये बहुत रिच सैंपल था, अब इसका 1 ml देखो उतना रिच तो होगा नहीं, इसका 1 ml डायल्यूट हो चुका होगा ना, तो हम लोग इसका 1 ml जब इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 का रेशियो, ठीक है, 1/100, क्योंकि हम लोग देखो ये 1/100 हम लोग जो है सैंपल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से 1 ml निकाल के यहाँ, यहाँ से 1 ml निकाल के यहाँ, यहाँ से 1 ml निकाल के यहाँ, तो इस तरीके से रेशियो भी बढ़ता जाएगा। देखो ये 1/10, फिर ये 1/1000, फिर ये 1/10^4, फिर ये 1/10^5, देखो ये सारी चीज़ें हम लोग सैंपल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से एट लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आते आते हमारा जो सैंपल है वो बहुत डाइल्यूट होता चला जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एट लास्ट में हमारे पास जो सैंपल हमें मिलेगा, ये जो लास्ट वाला मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा प्योर होगा, ठीक है, और इसके अंदर हमें जो है लगभग कह सकते हो कि मतलब कह सकते हो लगभग हमें जो है एक सिंगल टाइप का बैक्टीरिया ही देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ तक आते आते इसमें बैक्टीरिया के नंबर्स बहुत कम हो जाएंगे और जो एक सिंगल टाइप का बैक्टीरिया होगा वही यहाँ तक आते आते बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग को इस तरीके से फाइनली अपना एक प्योर कल्चर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है हमारा सीरियल डाइल्यूशन, यानी देखो हम लोग सीरियल डाइल्यूट करते जा रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ डाला तो कम और कम और कम और कम, समझ रहे हो, जैसे यहाँ यहाँ पे बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ से 1 ml डाला तो इसमें थोड़ा कम, फिर यहाँ से 1 ml डाला तो इसमें और थोड़ा कम, क्योंकि पहले इसमें सिर्फ लिक्विड था, हम लोगों ने इसमें से सैंपल डाला है। देखो ये सारी चीज़ें सैंपल के रिस्पेक्ट में है, समझ जाना आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट आई होप कि समझ गए होगे। तो यहाँ पे इट इज अ स्टेप वाइज डायल्यूशन ऑफ अ सैंपल इन अ सॉल्यूशन टू रिड्यूस अ हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी देखो ये हमारा हाईली कंसेंट्रेटेड है, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं स्टेप वाइज डायल्यूशन, यानी स्टेप वाइज देखो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, इस तरीके से डायल्यूट करते जाते हैं। द डायल्यूशन ब्लैंक्स आर प्रिपेयर्ड बाय हैविंग ट्यूब्स फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट डायल्यूशन लिक्विड्स, यानी देखो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हमारे पास बहुत सारी ट्यूब होती है जिसके अंदर पहले से थोड़ा सा डायल्यूटेड लिक्विड पड़ा होता है जिसमें हम लोग डालते जाते हैं अपना सैंपल, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे सीरियल डाइल्यूशन मेथड। तो इस तरीके से हमारे देखो आइसोलेशन ऑफ प्योर बैक्टीरिया कल्चर खत्म होता है। एंड अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर की। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने प्योर कल्चर को आइसोलेट तो कर लिया, ठीक है, लेकिन अब उसको प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बचाना, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। तो हम लोगों ने बना तो लिया लेकिन अब उसको प्रिजर्व भी तो करना है, उसको सेव भी तो रखना है। तो अब उसके लिए भी हम लोग कुछ टेक्निक पढ़ेंगे, जैसे आफ्टर आइसोलेटिंग द प्योर कल्चर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द प्योरिटी एंड वायबिलिटी ऑफ प्योर कल्चर, ठीक है, तो बना तो लिया अब उसको प्रिजर्व भी करना बहुत जरूरी है। प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर रिफर्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड प्योरिटी ऑफ प्योर कल्चर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी प्रिजर्वेशन का सिंपल मतलब क्या है कि जो हमारा प्योर कल्चर हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, इस प्योर कल्चर को काफ़ी लंबे टाइम तक हम लोग को सुरक्षित रखना है ताकि ये हमारे काम आ सके लंबे समय तक।
तो उसी टाइप के उस तो यही होता है हमारा प्रिजर्वेशन का मतलब। अब जैसे नीड ऑफ प्रिजर्वेशन की बात करें कि प्रिजर्वेशन की क्या ज़रूरतें हैं, तो वही चीज़ है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड प्योरिटी, ठीक है, टू अवॉइड कंटामिनेशन यानी किसी तरह की इम्प्योरिटी को अवॉइड करना ताकि उसके अंदर इम्प्योरिटी वगैरह ना हो जाए, टू रेस्ट्रिक्ट द जेनेटिक म्यूटेशन यानी देखो ये जो बैक्टीरिया वगैरह है इनके अंदर कोई जेनेटिक चेंज ना हो जाए, ठीक है, उस चीज़ से बचाने के लिए, एंड टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज, बैक्टीरिया की जो भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज है तो जब हम लोग इसको बचा पाएंगे तभी तो स्टडी कर पाएंगे, वही चीज़ है। टू प्रिजर्व द बैक्टीरिया हैविंग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। अब देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए और नहीं पता तो जान लो कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हमारे नेचर में हमारे इन्वायरमेंट में मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए काम के ही होते हैं, मतलब वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ही कम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कह सकते हो लगभग नियरली 99% बैक्टीरिया हमारे काम के ही होते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पे प्रिजर्व करना और भी ज़रूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं हमारे बैक्टीरिया को प्रिजर्व करने के, जैसे कि यहाँ पे हमारे वैसे और भी बहुत सारे मेथड होते हैं बट सिलेबस के हिसाब से हमें मेनली इन पांचों को पढ़ना है। जैसे पहला हो गया सब कल्चरिंग, फिर हो गया रेफ्रिजरेशन, पैराफिन कोटिंग, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड लायोफिलाइजेशन। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब कल्चरिंग के बारे में। देखो सब कल्चरिंग का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, प्योर कल्चर कैन बी इजली और यहाँ पे सॉरी प्रिजर्व होगा, प्योर कल्चर कैन बी इजली प्रिपेयर्ड बाई कंटिन्यूअस ट्रांसफरिंग टू अ फ्रेश मीडिया एट अ डेफिनेट टाइम इंटरवल। देखो बहुत ध्यान से समझो, जैसे आपको पता है कि ये जो हमारा कल्चर मीडिया होता है, ठीक है, ये जो हमारा कल्चर मीडिया है जब इसमें हमारा बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने कुछ एक चीज़ देखी थी आप लोगों को याद है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि पहले क्या होता है, पहले धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने आप को अडॉप्ट करता है, फिर ग्रो करता है, फिर स्टेशनरी लेवल पे जाता है, फिर यहाँ पे बैक्टीरिया की डेथ होना चालू हो जाती है। यानी देखो ये जो बैक्टीरिया है इस एक कल्चर मीडिया में अगर हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे काफ़ी टाइम तक तो क्या होगा, धीरे धीरे जो कल्चर मीडिया के न्यूट्रेंट्स हैं वो खत्म होते चले जाएंगे, तो जैसे जैसे वो न्यूट्रेंट्स खत्म हो जाएगा वैसे वैसे हमारे बैक्टीरिया भी तो मरना चालू हो जाएंगे यानी इनकी डेथ होना चालू हो जाएगी। तो अगर हम लोग किसी तरीके से इसके न्यूट्रेंट्स को यानी इस कल्चर मीडिया को ही बार बार चेंज करते रहें तो हमारे बैक्टीरिया को कंटिन्यू न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा ये काफ़ी लंबे टाइम तक इनको बचाया जा सकेगा। तो ये देखो सब कल्चरिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं उसका कल्चर मीडिया टाइम टाइम पर चेंज करते रहते हैं एट अ डेफिनेट टाइम इंटरवल, ठीक है, यानी प्योर कल्चर को जो भी हमारा कल्चर है उसको हम लोग ट्रांसफर करते रहते हैं फ्रेश मीडिया में, ठीक है, ताकि उनको बचाया जा सके। इट इज़ एन ईजी एंड सिंपल मेथड एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल अपरेटस और न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर देखो हमें कोई अलग से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट नहीं देना पड़ता है बल्कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास थे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है न्यूट्रिएंट्स तो हम लोग अलग से ही देंगे लेकिन कोई स्पेशल नहीं देंगे, यानी कि जैसा न्यूट्रिएंट्स हमारा पहले था उसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स हम लोग बाद में भी दे देंगे, कोई नए टाइप का न्यूट्रिएंट हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये भी है। और अपरेटस तो वैसे भी नहीं जरूरी है, हम लोग को सिर्फ कल्चर मीडिया चेंज करना है। ऑल दो दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी येट इट इज़ सम हाउ टाइम कंज्यूमिंग एंड हैविंग रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। देखो वैसे तो ये मेथड काफ़ी सिंपल और इजी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आपको पता है बार बार चेंज करना तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे जैसे चेंज करते टाइम यहाँ पे कंटामिनेशन यानी इम्प्योरिटी भी एंटर कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा रिस्क होता है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे सब कल्चरिंग एंड सेकेंड आता है हमारे यहाँ पे रेफ्रिजरेशन। तो देखो सिंपल है, रेफ्रिजरेशन मतलब कुछ नहीं, वही जो आप लोग फ्रिज में देखो फ्रिज में जब हम लोग खाना वगैरह रख देते हैं तो काफ़ी टाइम तक वो सेफ रहता है, ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो जो हमारे प्योर कल्चर्स हैं द प्योर कल्चर्स कैन बी मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व्ड अंडर द रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर ऑफ 0 to 4 degrees Celsius। यानी हम लोग अगर इसको फ्रिज में मतलब कह सकते हो रेफ्रिजरेशन के अंदर 0 to 4 degrees Celsius में रख दें तो हमारे कल्चर मीडिया को हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स प्रिजर्व द बैक्टीरियल कल्चर फॉर अप टू 2 to 3 weeks एंड फंगल कल्चर्स फॉर अप टू 3 to 4 months। यानी बैक्टीरियल कल्चर को हमारा जो रेफ्रिजरेशन मेथड है उससे हम लोग लगभग 2-3 हफ्ते तक बचा सकते हैं और अगर फंगल कल्चर है तो उसको 3-4 महीनों तक भी हम लोग सेव कर सकते हैं। द रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर ग्रेटली स्लोज डाउन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो आपको पता है कि जैसे ये जो कल्चर हमारा जो कल्चर मीडिया होता है तो इसमें जब बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स को खाना चालू कर देते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स को खाते कब हैं वो, मतलब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है। अगर हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी को थोड़ा स्लो कर दें तो जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट हैं वो भी तो एब्जॉर्ब होना कम हो जाएंगे यानी उनकी रेट भी स्लो हो जाएगी, तो ये जो कल्चर मीडिया है ये लॉन्ग टाइम तक रह सकेगा।
देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरिया की डेथ कैसे होती है जब कल्चर मीडिया के अंदर न्यूट्रंस खत्म हो जाते हैं। अगर किसी तरह हम लोग न्यूट्रंस बचा लें ज़्यादा टाइम तक तो यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, तो न्यूट्रंस कब बचेगा जब बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो पड़ जाएगी, ठीक है, तो ये स्लो कर देता है रेफ्रिजरेशन, बस वही चीज़ है। इट इज़ मेनली यूज फॉर, अब यहाँ पर देखो रेफ्रिजरेशन को हम लोग यहाँ पर बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। और अब आते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड टाइप में जो कि होता है हमारा यहाँ पे पैराफिन कोटिंग। तो देखो पैराफिन हमारा, अच्छा पहले आप लोग कमेंट करके बताओ पैराफिन क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में इसके बारे में डिस्कस किया था, आप लोग के सिलेबस में था, अगर याद है तो आप लोग पैराफिन के बारे में कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो इट इज़ अ सिंपल एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ मेंटेनिंग प्योर कल्चर, यानी ये हमारा काफ़ी सिंपल और इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, एक सस्ता और सिंपल यानी अच्छा सा मेथड होता है, ठीक है। इन दिस मेथड स्टेराइल लिक्विड पैराफिन इज पोल्ड ओवर द कल्चर मीडियम एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। देखो इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें देखो इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो कि आप लोग को पता है अचार वगैरह बनता है, अचार वगैरह में क्या होता है, अचार वगैरह में बहुत सारा तेल पड़ा रहता है, उस तेल के अंदर क्या होता है हमारे अचार सालों सालों तक कह सकते हो सेफ रहते हैं। तो उसी तरीके से इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो कल्चर मीडिया है उसको हम लोग लिक्विड पैराफिन के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं, यानी या फिर कह सकते हो कल्चर मीडिया के ऊपर हम लोग लिक्विड पैराफिन की एक कवरिंग चढ़ा देते हैं, ठीक है, उसको पोर कर देते हैं, उसके अंदर पूरा डाल देते हैं और उसके बाद रूम टेम्परेचर पर हम लोग स्टोर कर देते हैं। तो ये जो देखो ये जो लेयर ऑफ पैराफिन होती है, जैसे पैराफिन की जो लेयर होती है वो क्या करती है, इंश्योर्स एनारोबिक कंडीशंस एंड प्रिवेंट्स द डिहाइड्रेशन ऑफ मीडियम, यानी ये हमारे बैक्टीरिया को एक एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड कर देती है और यहाँ पे उसका डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से कल्चर मीडिया हमारा प्रिजर्व हो जाता है। पैराफिन कोटिंग मेथड कैन प्रिजर्व द बैक्टीरियल कल्चर फॉर मंथ्स टू ईयर्स, यानी इससे हम लोग बैक्टीरिया को लगभग महीनों या फिर सालों तक जो है बचा सकते हैं। तो ये हमारे काफ़ी अच्छा और सिंपल मेथड होता है। एंड फिर हम लोग बात करते हैं अपने क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में, तो बात करें हम लोग यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन, तो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे इसको हम लोग जब बहुत ही लंबे समय तक हमें प्रिजर्व करना होता है तब हम लोग यूज करते हैं। इन दिस मेथड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ कल्चर आर रैपिडली फ्रोजन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196°C इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट सच एज ग्लिसरॉल और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड दैट प्रिवेंट्स द सेल डैमेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स एंड प्रमोट सेल सर्वाइवल। देखो इस लाइन को आप लोग ध्यान से समझो, यहाँ पे हम लोग करते क्या है, सबसे पहले बात हम लोग इसको लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में हम लोग जो है अपने कल्चर मीडिया को बहुत ही रैपिडली बहुत ही तेजी से फ्रोजन कर देते हैं, वो भी कितने टेम्परेचर पे, बहुत कम -196°C पे। अब इससे होता क्या है, हमारे यहाँ पे कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि ग्लिसरॉल और डायमिथाइल सल्फोक्साइड, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी सेल डैमेज होता है वो बच जाता है और सेल सर्वाइवल यहाँ पे प्रमोट हो जाता है। तो ये यहाँ पे इसका प्रिंसिपल होता है बाय दिस मेथड। देखो यहाँ पे इस मेथड के द्वारा हम लोग कल्चर मीडिया को लगभग 10 से 30 सालों तक यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है। एंड उसी तरीके से हमारा आ जाता है लायोफिलाइजेशन, तो यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा इसको हम लोग पहली बात यहाँ पे फ्रीज ड्राइंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम लोग देखो क्या करते हैं, लायोफिलाइजेशन इज डन, यहाँ पे एक हमारा प्रिंसिपल होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रिंसिपल क्या होता है कि बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए हमारा जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल का यूज होता है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली करते क्या है, देखो इन दिस प्रोसेस द कल्चर इज फर्स्ट फ्रोजन, यहाँ पे सबसे पहले कल्चर मीडिया को फ्रोजन करते हैं -60 से -70°C तक, ठीक है, और उसके बाद इसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं जो भी वाटर और सॉल्वेंट होता है वो यहाँ से रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी इस कल्चर मीडिया से बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन के प्रोसेस के द्वारा इसको यहाँ से रिड्यूस कर दिया जाता है। और इसकी वजह से होता क्या है, देखो जो भी हमारा कल्चर मीडिया है वो यहाँ पे ड्राई हो जाता है, मतलब यहाँ पे देखो फ्रीजिंग, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने फ्रीज किया फिर इसको ड्राई कर दिया, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको फ्रीज ड्राइंग मेथड भी बोलते हैं। और इट इज़ अ सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ये भी हमारा बहुत ही सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है, ठीक है, और इससे हम लोग बैक्टीरिया को काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा अपने आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर्स के बारे में। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।